हे गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली असेंबली का उद्घाटन किसने किया है? तो इसकी पहली असेंबली का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन लिखा है, इसके बारे में मैंने आपको कई बार बता दिया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब ये है क्या? तो 2015 में प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के पेरिस के बेवली स्टेडियम में स्पीच दे रहे थे और वहीं पर मोदी ने इसकी घोषणा की थी, ISA की, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। अब ये है क्या? तो आप जानते हैं दो रेखाएं हैं, एक है कर्क रेखा और एक है मकर रेखा। कर्क रेखा को क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और मकर रेखा को क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। कर्क रेखा कितने डिग्री होता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा, इनके बीच में जितने भी देश हैं, इन सब का एक संगठन है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। अच्छा, ये इन्हीं का क्यों है? क्योंकि इनमें सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा पड़ता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो कंट्रीज हैं, इन पर सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा पड़ता है, इसीलिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक गठबंधन बनाया गया है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। तो ये कब बनाया गया? 2015 में। और प्रधानमंत्री मोदी ने ये जो कंट्री है इन दोनों रेखाओं के बीच की, इनको सूर्य पुत्रा करके भी संबोधित किया था। क्या कह के? सूर्य पुत्रा। तो ये है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन और इसकी अभी हाल ही में पहली असेंबली का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। अच्छा, ये कहां किया है? तो ये नई दिल्ली में किया है। और एक क्वेश्चन और बन सकता है ISA से कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो अभी हाल ही में न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई भारत के 46वें CJI बन गए हैं। आप इमेज में देखिए, ये हैं न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, और इनको शपथ किसने दिलाई है? हमारे प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। अब ये 46वें नंबर के हमारे CJI बन गए हैं, और 45वें नंबर के कौन थे? दीपक मिश्रा, वो रिटायर हो गए हैं और अब ये नए CJI बने हैं, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई। ये 13 महीने का कार्यकाल पूरा करेंगे। कितने मंथ का? 13 मंथ का। और ये 17 नवंबर 2019 को रिटायर होंगे। तो इनके बारे में आप इतना याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में युवा ओलंपिक खेलों के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये नामित की गई है मनु भाकर, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही है, यही है मनु भाकर, और इनको अभी हाल ही में 3रे युवा ओलंपिक खेलों के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया है। अब यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ये 3रे युवा ओलंपिक खेल कहां होंगे? तो ये अर्जेंटीना में होंगे। कहां पे होंगे? अर्जेंटीना में। अब ये अर्जेंटीना में होंगे तो आप मैप में देखिए, ये है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनर्स आयर्स। अर्जेंटीना की करेंसी है अर्जेंटीना पेसो, और अर्जेंटीना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है मॉरिसियो मैक्री। अच्छा, इस क्वेश्चन में बात आई है ध्वजवाहक की, तो एक क्वेश्चन और आपके माइंड में आना चाहिए। अभी कुछ टाइम पहले ही एशियन गेम्स हुए हैं, एशियन गेम्स 2018, वहां पे ओपनिंग सेरेमनी में इंडिया के ध्वजवाहक कौन थे? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और अभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे किसी न किसी में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप याद रखिए, एशियन गेम्स 2018 की ओपनिंग सेरेमनी में इंडियन फ्लैग बियरर थे नीरज चोपड़ा, तो इनका नाम भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बरमसाली को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो अभी हाल ही में बरमसाली को इराक के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं बरमसाली, और इनको अभी हाल ही में इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अब ये इराक के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो आप मैप में देखिए, ये है इराक। इराक की कैपिटल है बगदाद। इराक की करेंसी है इराकी दिनार, और इराक के प्रेजेंट टाइम पे नए राष्ट्रपति कौन चुन लिए गए हैं? बरमसाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ATM से निकासी की सीमा घटाई है? तो अभी हाल ही में SBI ने ATM से निकासी की सीमा घटा दी है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। SBI ने जो अपने क्लासिक डेबिट कार्ड है
उनकी निकासी की सीमा घटाई है। उनकी सीमा कितनी थी? 40,000 थी, और अब घटा के एसबीआई ने कर दी है 20,000। लेकिन नॉर्मल वाले जो डेबिट कार्ड है उसकी सीमा एसबीआई ने नहीं घटाई है, केवल क्लासिक डेबिट कार्ड की सीमा घटाई है। अब ये एसबीआई ने घटाई है तो एसबीआई के बारे में आपको बता देता हूं। एसबीआई की स्थापना हुई थी 1955 में। एसबीआई के प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष कौन है? रजनीश कुमार। और एसबीआई का हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएनईपी चैंपियन ऑफ द अर्थ से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किए गए हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। ध्यान रखना ये दोनों लोग सम्मानित किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त दोनों। यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, तो यूएनईपी चैंपियन ऑफ द अर्थ के रूप में सम्मानित किए गए हैं प्रधानमंत्री मोदी और इमैनुअल मैक्रोन। अच्छा, ये सम्मानित क्यों किए गए हैं? तो पर्यावरण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। मैंने अभी इसी वीडियो में आपको आईएसए के बारे में बताया है, और उसी की वजह से प्रधानमंत्री मोदी और इमैनुअल मैक्रोन ये चैंपियन ऑफ द अर्थ के रूप में सम्मानित किए गए हैं। 73वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में यह डिसीजन लिया गया था कि प्रधानमंत्री मोदी और इमैनुअल मैक्रोन को चैंपियन ऑफ द अर्थ के रूप में सम्मानित किया जाएगा, और अब इन्हें सम्मानित कर दिया गया है। और ये जो सम्मानित किए गए हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 के लिए एक नया टारगेट फिक्स कर दिया है कि 2022 तक इंडिया को प्लास्टिक फ्री कर दिया जाएगा, एकल प्लास्टिक फ्री कर दिया जाएगा इंडिया को 2022 तक। ये डिसीजन लिया है प्रधानमंत्री मोदी। क्वेश्चन है, हाल ही में उद्यम अभिलाषा अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो ये शुभारंभ किया है सिडबी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय स्तर के उद्यमशीलता जागरूकता अभियान के रूप में ये उद्यम अभिलाषा अभियान का शुभारंभ किया है सिडबी ने। अब यहां पे एक टर्म आया है सिडबी, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। सिडबी की फुल फॉर्म होती है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ में, और सिडबी की स्थापना कब हुई थी? 1990 में, यानी कि 1990 में। और सिडबी के प्रेजेंट टाइम पे सीएमडी यानी कि चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? मोहम्मद मुस्तफा। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छतम सरकारी विश्वविद्यालय किसे घोषित किया गया है? तो ये महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, ये हरियाणा का एक महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय है, और इसको अभी हाल ही में स्वच्छतम सरकारी विश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, अगर आपसे पूछा जाए किस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को स्वच्छतम सरकारी विश्वविद्यालय घोषित किया गया है, तब आप बताएंगे महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। और अगर आपसे पूछा जाए किस प्राइवेट यूनिवर्सिटी को स्वच्छतम सरकारी विश्वविद्यालय घोषित किया गया है, तब सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, और ये कहां पे है? ये पुणे में है। तो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसे सबसे स्वच्छ घोषित किया गया है, और गवर्नमेंट पूछा जाए तो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, ये हरियाणा में है। दोनों आप याद रखिए। और ये सम्मानित किसने किया है? तो प्रेजेंट टाइम के हमारे MHRD मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने ये सम्मानित किया है। हाल ही में UPI भुगतान में 33% से अधिक हिस्सेदारी के साथ शीर्ष पर कौन रहा है? तो ये रहा है पेटीएम, यानी किस क्वेश्चन का? ए ऑप्शन सही है। UPI भुगतान यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, UPI की फुल फॉर्म आप याद रखिए। UPI की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में 33% से अधिक हिस्सेदारी के साथ टॉप पे रहा है पेटीएम। पेटीएम ने अभी हाल ही में डिक्लेयर किया है कि उसने 137 मिलियन का लेन देन किया है, और इसी के साथ पेटीएम टॉप पे रहा है। अब यहां पे बात आ गई पेटीएम की, तो पेटीएम के बारे में आपको बताता हूं। पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? 2010 में। और इसकी स्थापना किसने की थी? विजय शेखर शर्मा ने। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा, और इन्होंने ही पेटीएम की स्थापना की थी। पेटीएम का हेडक्वार्टर कहां पे है? नोएडा में। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है पेटीएम से कि पेटीएम की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? पेटीएम तो हम बहुत सुनते हैं, लेकिन पेटीएम की पेरेंट कंपनी का नाम भी आप याद रखिए। पेटीएम की पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन, और पेटीएम की प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? रेनू सत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किसने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में माइल जेदिनाक और इगोर अकिनफीव, ये दोनों लोगों ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये देखिए, ये है माइल जेदिनाक,
ये एक फुटबॉलर हैं, और ये किस कंट्री के फुटबॉलर हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के एक फुटबॉलर हैं, और अभी इन्होंने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। अब आप देखिए, ये हैं इगोर अकिनफीव, ये रसिया के एक फुटबॉलर हैं और इन्होंने भी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। तो ये दो फुटबॉलर हैं जिन्होंने अभी हाल ही में सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। हाल ही में रसायन विज्ञान का नोबल पुरस्कार 2018 किसने जीता है? तो ये तीन लोगों ने जीता है, फ्रांसिस एच अर्नॉल्ड, जॉर्ज पी स्मिथ और सर ग्रेगरी पी विंटर। ये तीन साइंटिस्ट हैं, इन्होंने अभी हाल ही में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज 2018 जीता है। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी ने किस राज्य के लिए सुरक्षित पेयजल सेवा के लिए भारत के साथ $240 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो ये एडीबी ने पश्चिम बंगाल के लिए किया है ऋण समझौता। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इस क्वेश्चन में दो टर्म आपके लिए इंपोर्टेंट है, एक है एडीबी और एक है पश्चिम बंगाल। पहले मैं आपको एडीबी के बारे में बताता हूं। एडीबी की फुल फॉर्म होती है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी की स्थापना हुई थी 1966 में, और एडीबी का हेडक्वार्टर कहां पे है? मनीला में। और मनीला कहां पे है? फिलीपींस में। और एडीबी के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? ताकेहिको नकाओ। तो इतना तो आप एडीबी के बारे में याद रखिए। अब आते हैं पश्चिम बंगाल पे। मैप में देखिए, ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, और कोलकाता से ही क्वेश्चन बन जाता है कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, और पश्चिम बंगाल के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर है केसरी नाथ त्रिपाठी। अच्छा, यहाँ पे पश्चिम बंगाल की बात आ गई तो एक और इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, क्योंकि यहाँ पे पेयजल की बात है तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा के जल में आर्सेनिक की मात्रा सबसे अधिक किस प्रदेश में है? तो आप याद रखिए, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा आर्सेनिक की मात्रा है गंगा के जल में, और ऑप्शन में उत्तर प्रदेश दिया होता है। मोस्टली स्टूडेंट उत्तर प्रदेश पर टिक करके आ जाते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए, जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि गंगा के जल में आर्सेनिक की मात्रा सबसे अधिक किस प्रदेश में है, तब आप बताएंगे पश्चिम बंगाल। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 30 सितंबर को। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। पहले दो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज आज की। मध्य प्रदेश की सरकार ने डिसाइड करा है कि वो एक विशेष तरह की ट्रेन चलाएंगे जिनको नाम दिया गया है काउ एक्सप्रेस। इसमें वो गाय जो जो जख्मी हो जाती है, जो बीमार हो जाती है, उनको एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से त्वरित तरीके से ले जा सकेगा, जिससे उनका जल्दी इलाज हो सके। तो काउ एक्सप्रेस जो ट्रेन है भारत की पहली, वो मध्य प्रदेश की सरकार चलाएगी। इसमें गाय जाएगी एक जगह से दूसरी जगह। और मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बना है जिन्होंने अनाउंस करा है कि वो एक गौ मंत्रालय भी बनाएंगे, एक विशेष मंत्रालय बनाएंगे गाय की रक्षा और देखभाल के लिए। तो ये दोनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनाउंस करा है। दूसरा ये कि फिजिक्स में 55 सालों के बाद किसी महिला को नोबेल प्राइज मिला है। इनका नाम है डोना स्ट्रिकलैंड और ये कनाडा की है। नाम अच्छे से याद कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डोना स्ट्रिकलैंड। वैसे तीन लोगों को मिला है, तो उनमें से एक है डोना स्ट्रिकलैंड, कनाडा की है। और अगर पूछें कि इतिहास में ये कौन से नंबर की महिला है जिन्हें फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है, तो ये तीसरी महिला है आज तक के इतिहास में, 117 साल के नोबेल प्राइज के इतिहास में। पहली थी मैडम मारी क्यूरी, इन्हें मिला था 1903 में। दूसरी थी मारिया गोपेरेट मेयर, इन्हें मिला था 1963 में। और अब तीसरी है डोना स्ट्रिकलैंड 2018 में। तो आप देख सकते हैं 55 सालों के बाद इन्हें मिला है। मारी क्यूरी को एक नहीं बल्कि दो दो नोबेल प्राइज मिले हैं। दूसरा वाला इन्हें मिला था अपने पति पियर क्यूरी के साथ, इन्होंने रेडियम का आविष्कार किया था और पोलोनियम का आविष्कार किया था। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली असेंबली कहां आयोजित की गई? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में, और इसको शुरू करने में बहुत बड़ा योगदान था फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा हॉलैंड का, जो अभी राफेल डील के चक्कर में न्यूज में आए थे, और प्रधानमंत्री मोदी का। तो प्रधानमंत्री मोदी और अभी जो मौजूदा फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, जिनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन, इन दोनों को मिला है चैंपियंस ऑफ अर्थ प्राइज। क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में काम किया। शुरू किया था फ्रांसवा हॉलैंड ने, लेकिन उसको आगे बढ़ाया इमैनुअल मैक्रोन ने। चैंपियंस ऑफ अर्थ कोचीन हवाई अड्डे को भी मिला है, क्योंकि यह दुनिया का पहला हवाई अड्डा है जो सौर ऊर्जा से चलता है। इसकी पहली असेंबली आयोजित की गई दिल्ली में। यहां पे एक बात और याद रखिए,
इस कार्यक्रम में शिरकत करी थी एंटोनियो गुटेरेस ने, जो कि यूनाइटेड जो नेशन है संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनके हेड हैं। एंटोनियो गुटेरेस जो है ये पुर्तगाल के हैं। और दो और व्यक्ति न्यूज में आए थे जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव रह चुके हैं। एक आए थे बन की मून। बन की मून इसलिए न्यूज में आए थे क्योंकि दिल्ली सरकार जो अरविंद केजरीवाल है उन्होंने इन्हें न्योता दिया था, ये वहां के जो मोहल्ला क्लिनिक है उनको देखने आए थे, तो इसलिए न्यूज में आए थे। दिल्ली सरकार ने जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए हुए हैं उनको देखने आए थे बन की मून, और ये भी पूर्व संयुक्त राष्ट्र के महासचिव रह चुके हैं। और दूसरे न्यूज में आए थे कोफी अन्नान। कोफी अन्नान का निधन हो गया, इनका जन्म घाना में हुआ था, तो इसलिए ये न्यूज में आए थे। माइल जेदीनाथ, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी, यानी रिटायर हो गए हैं। ये कौन से देश के फुटबॉल खिलाड़ी थे? ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे, माइल जेदीनाथ। और एक खिलाड़ी और पूछ सकते हैं जिसने फुटबॉल से रिटायरमेंट लिया है, रशिया के गोलकीपर थे, इनका नाम था इगोर एकिनफीव, इगोर एकिनफीव। और एक खिलाड़ी और इंपॉर्टेंट है, स्पेन के आंड्रियास इनिएस्टा, इन्होंने भी रिटायरमेंट लिया है अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से, आंड्रियास इनिएस्टा। 6 से 18 अक्टूबर से अर्जेंटीना में आयोजित होने वाले तीसरे युवा ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन होंगे? यूथ ओलंपिक होने वाले हैं अभी अर्जेंटीना में, ये 6 से 18 अक्टूबर तक होंगे, तो यूथ ओलंपिक में भारत की तरफ से ध्वजवाहक होंगी मनु भाकर। मनु भाकर हरियाणा से है और ये एक शूटर है, वर्ल्ड चैंपियन भी है जूनियर सीनियर दोनों कैटेगरी में। इन खेलों पे से आपसे दो तीन सवाल और पूछ सकते हैं। सबसे पहली बात, ये जो खेल होंगे यूथ ओलंपिक कहां पर होंगे? अर्जेंटीना की राजधानी में होंगे, ब्यूनोस आयरेस, तो ब्यूनोस आयरेस में होंगे। दूसरी बात, इनका शुभंकर क्या है, यानी वो जानवर जो होता है जिसे हम शुभंकर बोलते हैं, मैस्कॉट बोलते हैं, तो वो एक जगुआर है, एक चीता, एक बाघ जैसा दिखने वाला जानवर है, जगुआर बोलते हैं इसे, जगुआर है जिसका नाम है पांडी, तो पांडी जो होगा ये शुभंकर होगा इन खेलों का। एक ये पूछ सकते हैं कि इनका जो मोटो है, जो टैगलाइन है इन खेलों का, वो क्या है? तो ये है फील द फ्यूचर, फील द फ्यूचर, और इसको स्पेनिश में बोलते हैं VVL फ्यूटोरो, क्योंकि अर्जेंटीना की जो भाषा है वो है स्पेनिश। क्या आप ये बता सकते हैं कि जो भारत के खिलाड़ी है नीरज चोपड़ा, ये भारत के कौन से, दुनिया के कौन से खेलों में भारत की तरफ से ध्वजवाहक बने थे? नीरज चोपड़ा, कमेंट्स में लिख के बताइए। 115 आकांक्षी जिले जो हैं नीति आयोग के, जिन्हें बोलते हैं 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, तो इनमें राष्ट्रीय स्तर की उद्यमिता जागरूकता अभियान, यानी नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस कैंपेन, जिसका नाम है उद्यम अभिलाषा, इसको लॉन्च किसने करा? इसको लॉन्च करा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं सिडबी, जो लघु मध्यम और जो छोटे उद्योग है उनको ऋण देता है सिडबी। और सिडबी के चेयरमैन कौन है? मोहम्मद मुस्तफा, मोहम्मद मुस्तफा है सिडबी के चेयरमैन। और सेबी, सेबी जो है इसका मुख्यालय है मुंबई में, और सेबी के चेयरमैन है अजय त्यागी। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और सिडबी का मुख्यालय है लखनऊ में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने क्लासिक और माइस्ट्रो डेबिट कार्ड, ठीक है, दो तरह के डेबिट कार्ड है, क्लासिक और दूसरा है माइस्ट्रो डेबिट कार्ड, उनपे दैनिक विड्रॉल लिमिट, पहले आप 40,000 रुपए निकाल सकते थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डेबिट कार्ड से, अब कितने निकाल सकते हो? अब निकाल सकते हो सिर्फ 20,000, तो उसको कम कर दिया है। ये इसलिए किया है क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रॉड हो गए थे, बहुत ज्यादा चीटिंग हो गई थी, लोग स्कीमिंग और दूसरी चीजें करके विभिन्न तरह के फ्रॉड, लूटपाट, और तो इसलिए अब जो डेली विड्रॉल लिमिट है सिर्फ 20,000 होगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डेबिट कार्ड से। चलिए कमेंट्स में लिख के बताइए कि जो नए एटीएम रूल आए थे अगस्त में, उनके हिसाब से शहरी इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में और नक्सलवादी इलाकों में जो एटीएम में कैश भरा जाएगा वो कितने बजे के बाद नहीं भरा जाएगा? क्वेश्चन को समझ गए अच्छे से? शहरी, ग्रामीण और नक्सल प्रभावी एरिया में कितने बजे के बाद एटीएम कैश से नहीं भरा जाएगा? तीनों का आंसर अलग अलग है, शहरी अलग है, ग्रामीण अलग है और नक्सलवादी वाला अलग है, तीनों का कमेंट्स में लिख के बताइए। इसके अलावा यह भी लिख के बताइए कि नए एटीएम रूल के हिसाब से जो एटीएम की गाड़ी है वो कितने रुपए से ज्यादा कैश लेकर नहीं जा सकती? इराक के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इराक में अभी भी चुनाव हुए थे, इराक की राजधानी है बगदाद, इराक की मुद्रा है दिनार, यहां के नए राष्ट्रपति बने हैं बरहम साली, बरहम साली।
और यहाँ के नए प्रधानमंत्री कौन बने? अगर पूछे प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री बने हैं ये, जिनका नाम है अदेल अब्दुल मेहदी। अदेल अब्दुल मेहदी। भारत और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य के सुरक्षित पेयजल सेवा के लिए 24 करोड़ डॉलर का ऋण दिया है? 24 करोड़ डॉलर का ऋण दिया है पश्चिम बंगाल को, पश्चिम बंगाल को। और यह पश्चिम बंगाल के 3 जिलों को मिला है, बंकुरा, नॉर्थ 24 परगना और पूर्व मदीनापुर। समझिए, बंकुरा, नॉर्थ 24 परगना और पूर्व मदीनापुर को ऋण मिला है 24 करोड़ डॉलर का। और पश्चिम बंगाल न्यूज में इसलिए भी आया था क्योंकि इन्होंने स्वयं सिद्ध नाम का एक कैंपेन शुरू करा है मानव तस्करी को रोकने के लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, स्वयं सिद्ध। इसके अलावा कोलकाता की जो पटुली झील है, कोलकाता की पटुली झील पर वहां का पहला तैरता हुआ मार्केट बना है शॉपिंग करने के लिए, पटुली झील पर। और रूपाश्री योजना शुरू करी है यहां की सरकार ने, कन्याश्री प्राकल्प योजना शुरू करी है। और जो रूपाश्री योजना है इसमें 25,000 रुपए मिलेंगे लड़की को उसके विवाह के लिए। इसके अलावा वन पर्सन वन कार योजना शुरू करी है कि एक जो अफसर है वो एक ही गाड़ी इस्तेमाल करेगा जिससे सरकारी खर्चा कम हो। इसके अलावा दिगंबरपुर जो ग्राम पंचायत है, ये साउथ 24 परगना में है, इसको बेस्ट ग्राम पंचायत भारत की उसका अवार्ड मिला है। तो ये सब चीजों के लिए बंगाल न्यूज में था। एक बार अभी क्वेश्चन आया था किसी एग्जाम में, नहीं केबीसी में पूछा था, कि जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, इन्होंने 1984 में लोकसभा चुनाव में किस दिग्गज को हराया था? तो आंसर है सोमनाथ चटर्जी। सोमनाथ चटर्जी जो थे ये भारत के पूर्व लोकसभा स्पीकर थे और अभी 2018 में ही इनका निधन हुआ है। भारत ने किस देश के साथ कानून, पर्यटन, सैन्य शिक्षा, इस तरह के 17 समझौते करे हैं, 17 एमओयू साइन करे हैं? ये देश है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। और ये क्यों करे हैं? उज्बेकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं शवकत मिर्जियोयेव, ये नाम ध्यान से याद रखिए, शवकत मिर्जियोयेव, ये भारत यात्रा पे है। तो प्रधानमंत्री मोदी और इनके बीच में 17 समझौते हुए हैं। ये 5 देश बहुत इंपॉर्टेंट है, कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना, उज्बेकिस्तान की ताशकंद, तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद, तजिकिस्तान की दुशानबे, किर्गिस्तान की बिश्केक। भारतीय, ब्राजीलियाई और दक्षिण अफ्रीकी नौसेना के बीच होने वाले बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास इब समर का 6 संस्करण किस देश में आयोजित हुआ? यह आयोजित हुआ दक्षिण अफ्रीका में, और दक्षिण अफ्रीका में ही इस साल हुआ था ब्रिक्स समिट। और अगले साल कहां होगा? अगले साल ब्राजील में होगा, 11वां ब्रिक्स समिट अगले साल ब्राजील में होगा। गुड समैरिटन, गुड समैरिटन बोलते हैं नेक आदमी को, और भारत के विद रिस्पेक्ट में यूज किया जाता है। सबसे पहले भारत में दिल्ली की सरकार ने शुरू करी थी गुड समैरिटन पॉलिसी, यानी अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए जो एक्सीडेंट के अगला 1 घंटा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो डिसाइड करता है उसकी जान बचेगी कि नहीं बचेगी। तो जो गुड समैरिटन पॉलिसी है सबसे पहले दिल्ली सरकार ने शुरू करी थी, और अब गुड समैरिटन को कानूनी सुरक्षा देने के लिए, लीगल प्रोटेक्शन देने के लिए भारत में कौन सा राज्य है जो भारत का पहला राज्य बना है? तो ये दिल्ली नहीं है, ये है कर्नाटक। कर्नाटक की सरकार ने इनको कानूनी सुरक्षा दी है, और इसके लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो विधेयक पारित हुआ था कर्नाटक की विधानसभा में, उसको पारित भी कर दिया है, उस पर साइन करके उसको अधिनियम बना दिया है। कर्नाटक में अभी अभी जो योगा है उसे कंपलसरी करा था कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में। अर्कादी द्वारकोविच, ये विश्व शतरंज संघ, जैसे फुटबॉल के लिए होती है फीफा, राइट, शूटिंग के लिए होती है आईएसएसए, उसी तरह से शतरंज के लिए होती है फिडे। इसके नए प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं? अर्काडी द्वारकोविच। ये कौन से देश के हैं? ये हैं रूस के, रूस। फेसबुक ने इंस्टाग्राम का नया सीईओ किसे बनाया है? तो एडम मोसेरी को बनाया है। तो सवाल उल्टी तरह से पूछा है कि फेसबुक ने एडम मोसेरी को कौन सी अपनी कंपनी या ऐप के लिए हेड बनाया है, सीईओ बनाया है? इनका, इस कंपनी का नाम है इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम को शुरू किया था 2 लोगों ने, केविन सिस्ट्रोम और माइक क्रीगर। केविन सिस्ट्रोम और माइक क्रीगर ने इंस्टाग्राम को शुरू किया था, और दोनों ने पिछले साल इस्तीफा दे दिया था, तो वो सीईओ का पद खाली था, तो सीईओ का पद भरा है एडम मोसेरी ने। सानिया रिचर्ड्स रॉस, ये एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन के लिए ब्रांड एम्बेसडर होंगी, इवेंट एम्बेसडर होंगी। ये किस देश से हैं? ये अमेरिका की हैं, और ये ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। याद रखिए 2012 में जो ओलंपिक खेल हुए थे उसमें 400 मीटर में इन्होंने अमेरिका की तरफ से गोल्ड मेडल जीता था, तो बहुत ही ये प्रतिष्ठित धाविका है। और क्योंकि ये भारत आ रही है तो ये अच्छा मौका होगा भारत की 400 मीटर की धाविका हीमा दास के लिए कि वो भी इनसे मिले। और हीमा दास को ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है। कोणार्क का मंदिर नरसिम्हा द्वारा बनाया गया था। राजा नरसिम्हा कौन से राजवंश से थे?
इनका राजवंश था गंगा राजवंश। कोणार्क का मंदिर जो है ये उड़ीसा राज्य में है। प्राचीन भारतीय पाठ जिसको बोलते हैं पंच सिद्धांतिका, इसको लिखा था वरहा मीरा ने लिखा था पंच सिद्धांतिका। ये किस सिद्धांत से संबंधित है, क्या पढ़ाया गया इसमें? इसमें पढ़ाया गया है एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान। गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, जो गंधार कला है वो कौन से राजवंश से संबंधित है? तो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ये काफी पॉपुलर थे उस वक्त। ये कुषाण वंश जो था राजा कनिष्क का, कुषाण वंश उससे संबंधित है। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग अथॉरिटी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका अध्यक्ष बने हैं रंगचारी श्रीधरन। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो ऑडिटिंग करेगी। मध्य प्रदेश का सबसे नया जिला कौन सा बना है? यह मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना है, तो इसका नाम है निवारी जिला। तो आपको दिखा देता हूं निवारी जिला कहां बना है। देखिए ये मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश जो है इसमें ये जो जिला है ये है तिकमगढ़, जो बिल्कुल उत्तर प्रदेश की झांसी से लगता है, तिकमगढ़। और ये जो तिकमगढ़ है ये, इसको मैं बड़ा करके दिखा रहा हूं यहां पे, ठीक है? तो ये ऊपर सबसे इधर ये है निवाड़ी, ये जो है ये है निवाड़ी, और ये बना है 52वां मध्य प्रदेश का जिला, नाम है निवाड़ी और कटा है तिकमगढ़ से। किस देश के सांसदों ने महात्मा गांधी जी को एक गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक देने का निर्णय लिया है उनके अहिंसा में योगदान के लिए? ये देश है अमेरिका, यूएस कांग्रेशनल गोल्ड मेडल। चलिए कुछ अभ्यास कराता हूं। अब गुजरात में अभी पेपर हुआ था SPIPA का, उसमें कुछ क्वेश्चन आए थे, तो 6-7 क्वेश्चन का अभ्यास कर लेते हैं। इनमें से कौन सी संस्था बनी थी बैंकॉक डेक्लेरेशन के बाद? बैंकॉक डेक्लेरेशन जब हुआ था तो उसका नतीजा था, कौन सी संस्था बनी थी? तो यह बनी थी आसियान। आसियान के 10 कंट्री मेंबर हैं, जिनमें थाईलैंड भी एक है। दूसरा क्वेश्चन यह है कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन, बिम्स्टेक के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? सबसे पहला, भारत और पाकिस्तान दोनों इसके मेंबर है, और दूसरा, इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। देखिए बिम्स्टेक का मुख्यालय जो है वो ढाका है, बांग्लादेश की राजधानी, और पाकिस्तान उसका मेंबर नहीं है, इंडिया उसका मेंबर है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। इनमें से आपको बताना है कि जो इंडेक्स होता है, जो सूचकांक होता है और उसको प्रकाशित करने वाली संस्था, तो सही मैच कौन सा किया हुआ है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को देता है वर्ल्ड बैंक, ये बिल्कुल ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को वर्ल्ड बैंक देता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स यानी जो लिंग असमानता है, लिंग असमानता वाला जो सूचकांक है उसको देता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हाँ ये भी ठीक है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को देता है यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, नहीं ये गलत है, इसको देता है वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट, तीन वाला गलत है, ए और बी ठीक है, तो आंसर है 1 और 2। इनमें से प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? ये हर साल जनवरी में मनाया जाता है, हाँ 9 जनवरी को मनाया जाता है, इस दिन गांधी जी वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से। इसको मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म यानी पर्यटन मंत्रालय मनाता है, नहीं इसको हमारा विदेश मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मनाता है, तो ए ठीक है, बी गलत है, तो आंसर है ओनली 1। डिफेंस प्लानिंग कमेटी बनी थी 2018 में, इसी साल डिफेंस प्लानिंग कमेटी, इसका चेयरमैन कौन होगा? इसके चेयरमैन होंगे हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल, सो आंसर है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। इनमें से कौन सा एक पेयर है जो सही सुमेलित है? किरकुक नाम का शहर है इराक में, मोसुल है ईरान में, मजारे शरीफ है पाकिस्तान में, या उपरोक्त में से कोई नहीं? मजारे शरीफ अफगानिस्तान में है, मोसुल जो है वो इराक में है, किरकुक इराक में है, तो पहला ठीक है, किरकुक शहर इराक में है, मोसुल जो है वो इराक में है, ईरान में नहीं है, तो गलत है, मजारे शरीफ है अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में नहीं है, तो ये गलत है। इनमें से कौन सा ऐसा शहर है जो भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी में नहीं खुलता? कैटालोनिया, ये बार्सिलोना जो एरिया है स्पेन का, ये बिल्कुल मेडिटेरेनियन सी में खुलता है। क्राइमिया नहीं खुलता, इसराइल भी खुलता है और सीरिया भी खुलता है। क्राइमिया कहां खुलता है? तो ये देखिए रशिया, ये यूक्रेन, ये नीचे छोटा सा है क्राइमिया, ये खुलता है ब्लैक सी। तीन सत्याग्रह दिए हुए हैं, बारदोली, खेड़ा और बोरसाद सत्याग्रह, इनको सही क्रम में लगाइए। सबसे पहले कौन सा हुआ था? बारदोली हुआ था 1928 में, खेड़ा हुआ था 1918 में, और बोरसाद हुआ था 1923 में। तो सही क्रम क्या हो गया? सबसे पहले हुआ था खेड़ा, फिर बारदोली और फिर बोरसाद। और सबसे पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है।